हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ ना भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त। तो आज है रविवार का दिन, यानी छुट्टी का दिन। थोड़ा सा आलस तो जरूर आज के दिन होता है, लेकिन फिर भी हम आपको जरूर कहेंगे, क्योंकि आज नोएडा का मौसम बहुत सुहावना हो गया, हल्की हल्की बारिश होने लगी है। तो आप भी अपने बेड से उठिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और ये बुलेटिन जरूर देखिए, क्योंकि इसमें तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। खासकर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की बात करें तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, अगले एक घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि बालासोर ट्रेन हादसे पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वहां पर हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं, ये हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी अपडेट के साथ। जी हाँ, वहां पर क्या तस्वीर है, किस तरह का मंजर अभी है और क्या अपडेट आ रही, इस पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि बालासोर में पूरी रात ट्रैक बहाल करने का काम जारी रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मरम्मत कार्य का खुद जायजा लिया है। हादसे वाली जगह रात भर रेल मंत्री खुद मौजूद रहे। 1000 से ज्यादा मजदूर इस वक्त पटरी के मरम्मत के काम में जो है जुटे हुए। पोकलेन मशीन, क्रेन और एटीआर से ट्रैक की सफाई की जा रही है। हादसे वाली जगह से दुर्घटनाग्रस्त बोगियां जो है हटाई जा रही है। खुद समझ लीजिए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अगर रात भर उस हादसे वाली जगह पर प्रीति मौजूद है, तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक का मरम्मत कार्य जो है वो पूरा किया जा सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है कि 1000 से ज्यादा मजदूर पटरी की मरम्मत कर रहे हैं। तेजी के साथ पटरी को ठीक कर लिया जाए, यही कोशिश की जा रही, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें से सीधा सीधा प्रभावित हो चुकी हैं। और ऐसे में देखिए, इस ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ये कोशिश की जा रही है पूरी रात भर, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, रात भर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। वो खुद निगरानी कर रहे हैं, वो खुद चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि इससे पूरे रूट की अगर बात करें, जैसा कि प्रीति भी कह रही है कि रूट डिस्टर्ब हो चुका है और ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। यही वजह है कि जल्द से जल्द ट्रैक के मरम्मत का काम जो है वो पूरा किया जा सके। और यही वजह है कि 1000 से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं, दिन रात यहां कह सकते हैं कि काम चल रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये पूरा रूट जो है वो क्लियर कर लिया जाए ट्रैक, क्योंकि इतना बड़ा हादसा दशकों में कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बालासोर ट्रेन हादसा जो है, सबसे बड़ा हादसा है। 3 ट्रेन किस तरीके से आपस में टकराई। टाइम्स नाउ नव भारत ने तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई थी कि देखिए कितना भयानक हादसा था। जिसने भी इस हादसे की तस्वीर देखी वो किस तरीके से दहल उठा प्रीति, क्योंकि इतनी ज्यादा मृतकों की संख्या भी जो है वो बढ़ने लगी है। बिल्कुल, और अभिषेक राज ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी बालासोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं पर वो मौजूद है। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि रात भर ट्रैक का मरम्मत का काम चलता रहा, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल ताजा क्या अपडेट वहां से? देखिए, बिल्कुल रात भर कल जो है वो ट्रैक के मरम्मत का कार्य चला है। जो ट्रेनें की बोगियां वहां पे ट्रैक के ऊपर जो पड़ी हुई थी उनको हटाया गया है, क्रेन बुलाई गई है। बकायदा जो 1000 से अधिक जो रेलवे कर्मचारी है वो स्पॉट पे मौजूद हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि एक एक ट्रेन को एक आखिरी बार जो है वो NDRF टीम और आर्मी के साथ मिलकर एक चेक किया जाए, क्योंकि अभी भी जो उम्मीद है कि कुछ जान जो है वो बचाई जा सकती है। ऐसे में अब जो लास्ट मोमेंट है उसमें एक एक ट्रेन को आखिरी बार चेक किया जा रहा है, और जब इस बात की शिनाख्त हो जा रही है कि किसी ट्रेन में कुछ नहीं बचा है तो उसे फिर पटरी से नीचे उतारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और वहां से हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। देखिए, ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साउथ और ईस्ट जो है इन दोनों को जोड़ने वाला ये पूरा का पूरा रूट है। चेन्नई और हावड़ा के बीच में जो है ये दोनों के कनेक्शन का रूट है। ऐसे में कई ट्रेन्स के ऊपर इसका असर पड़ा है, कई ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है, कई का डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में कोशिश ये भी है कि यहाँ पे परिचालन को सामान्य किया जाए, ट्रैक्स की मरम्मत तुरंत हो जाए और उसके बाद जो सामान्य यातायात है वो चालू हो। जी बिल्कुल अभिषेक, नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बालासोर ट्रेन हादसे की अगर बात करें तो इसमें मृतकों की संख्या 285 के पार पहुंच चुकी है, 900 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को करीब 36 घंटे बीत चुके हैं।
इस हादसे ने 285 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, सैकड़ों लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि कुछ की हालत बेहद गंभीर है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कहीं कोई अभी और मलबे के नीचे ना फंसा हो, उसकी तलाश हो रही है। ओडिशा के बालासोर में हुआ यह हादसा अब तक के सबसे बड़े रेल हादसों में एक है। इसके बाद इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई है। दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं या फिर उनका रूट बदला जा रहा है। हालात सामान्य हो, इसके लिए बिना रुके काम हो रहा है। रात भर ये काम होता रहा। अलग से लाइटों की व्यवस्था की गई ताकि किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे दूसरे राज्यों से भी मदद पहुंच रही है। इसमें एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम भी शामिल है। यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गए। हादसे के पीछे की वजह क्या थी, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच चल रही है। तो घटना स्थल पर कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव दल से मुलाकात की। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए। अस्पताल जाकर उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती के निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जब घटना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहीं से अधिकारियों को फोन लगाए और सख्त निर्देश दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बालासोर में घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने पीएम अस्पताल भी पहुंच गए। पीएम ने घायलों और उनके परिजनों से बात की, उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं पीएम ने साफ कहा कि जो भी इस हादसे का दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं कि घायलों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सहायता दी जाए, किसी भी प्रकार की किसी चीज में कोई कमी ना आए। पूरा देश इस हादसे के बाद सन है। एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, कई परिवारों की जिंदगियां जो है उजड़ चुकी है, कई परिवार जो है वो उजड़ चुके हैं। लेकिन विपक्ष जो है इस हादसे पर भी देखिए किस तरीके से राजनीति शुरू कर चुका है। बिल्कुल, विपक्ष कई नेता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यानी कि लोगों की मौत पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। इस दर्दनाक घटना पर भी अब आरोपों की राजनीति होने लगी है। विपक्ष के कई नेता इसके बहाने अब केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मरने वालों के आंकड़ों को लेकर भी बयानबाजी होने लगी है। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आपको कंप्यूटर का कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो विपक्ष के नेताओं ने इस्तीफे की राजनीति शुरू कर दी है। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले पर विपक्ष की राजनीति के बीच बाबा बागेश्वर का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं। बहरहाल ये समय है एक साथ खड़े होने का, जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद और उनके लिए दुआ करने का। तो बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लगातार पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि जो पीड़ित हैं वो जल्द से जल्द
जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और जो पीड़ित हैं उनके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ गंगा के तट पर लोगों को याद किया गया, जब आरती का आयोजन किया जा रहा था, गंगा आरती की जा रही थी, उसके बाद जो हादसे में लोग मारे गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यानी लोग जो गंगा के घाट पर पहुंचे थे वो उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि दुआएं मांग रहे थे जो घायल है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे से पूरे देश में शोक। जो तस्वीरें आई हैं उसने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ऐसा दर्दनाक हादसा पिछले कई साल में नहीं देखा गया। तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहां हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वाराणसी के गंगा तट पर आरती सभा होती है, लेकिन कल शाम इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। भगवती माँ गंगा में दीप दान करवाया गया व दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं उन सभी लोगों से मृतक आत्माओं के शांति के लिए 2 मिनट का मौन करवाया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैलिफोर्निया की। यहाँ लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया है और कनाडा में आखिरकार आग कैसे लगी, खबरें बताएंगे आप। बिल्कुल, सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाएंगे दुनिया का हर एक हलचल। बीच सड़क भीषण प्रदर्शन की ये तस्वीरें कैलिफोर्निया से सामने आई हैं, जहाँ पेरेंट्स ने अपने बच्चों के स्कूल के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स के स्कूल के बाहर पेरेंट्स तख्ती तक लेकर पहुंच गए। इस दौरान स्कूल प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही गुस्सा भी जाहिर किया। आसमान में छाए काले धुएं के गुबार की ये तस्वीरें कनाडा की है, जहां नोवा स्कोटिया के जंगल में भीषण आग लग गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुस्सा, आक्रोश और प्रदर्शन की ये तस्वीरें फ्लोरिडा की है, जहां इमिग्रेशन बिल का विरोध करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, अपने देश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे। ये तस्वीर जर्मनी की है, जहां नाजी विचारधारा के लोगों पर हमले करने के आरोप में एक महिला को 5 साल की सजा सुनाई है। तो लेफ्ट समर्थकों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया, जबकि दूसरा वीडियो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग का है, जहां एक मॉल के बाहर उबर और बोल्ट के कैब ड्राइवर्स पर स्थानीय टैक्सी ड्राइवर्स ने अटैक कर दिया, जिसके बाद गुस्साए टैक्सी ड्राइवर्स ने गाड़ी में आग लगा दी। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर जोरदार अटैक किया है, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल से कीव पर हमला किया और रिहायशी इलाके को टारगेट किया। क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद से ही रशियन आर्मी काफी गुस्से में। तो 2 मिनट में दुनिया के टॉप खबरें देखने के बाद अब बात करते हैं देश में चल रही सियासी हलचल की। जी हाँ, बात खबर अब टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई है, जिन्होंने कल दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और राजनीति में मुलाकातों के भी अपने मायने होते हैं, इसीलिए अब कयास लगने लगे हैं कि क्या चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी फिर से एक हो सकती है क्या या साथ आ सकती है क्या। इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है, रिपोर्ट में देखिए। देश में अगले साल चुनाव होने हैं और इसे लेकर अभी से सियासी बिसात बिछने लगी है। इसी कड़ी में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। 2024 लोकसभा चुनाव और तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी आलाकमान से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी इन मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन का मन बना रही है। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है। गौरतलब है कि 2024 में टीडीपी एनडीए का ही हिस्सा थी, लेकिन आंध्र प्रदेश और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर 2018 में टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में निकाय चुनाव के बाद दोनों पार्टियां साथ आई थी। साथ ही पीएम मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें याद किया था।
सियासी गलियारों में 2024 से पहले बीजेपी और टीडीपी के एक साथ आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। तेलंगाना में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7.1% वोट शेयर के साथ महज एक सीट से संतोष करना पड़ा था। साल 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी 2019 का करिश्मा दोहराते हुए 35.56% वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की। चंद्रबाबू नायडू के इस मुलाकात के बाद दरअसल दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। अगर सियासी हलचल की हम बात कर रहे हैं तो पहलवानों के मुद्दे पर भी सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। जी हां, दरअसल राकेश टिकैत ने पहलवानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दे दिया। अब इस चेतावनी के बाद पहलवानों के मुद्दे पर क्या रहेगी किसानों की अगली स्ट्रेटेजी, क्या वो करने वाले हैं, रिपोर्ट में देख लिया। करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका है। पदक वीर पहलवान जंतर मंतर पर अब भी धरने पर बैठे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में दर्ज हुई FIR के बाद से ही दिल्ली पुलिस जांच के बाद बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की बात कह रही है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 125 लोगों से पूछताछ की है। इनमें 2 इंटरनेशनल प्लेयर, 1 रेफरी और 1 कोच ने बृजभूषण के खिलाफ गवाही दी है, जबकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण से पूछताछ नहीं की है। दरअसल दिल्ली पुलिस की दलील है कि जांच खत्म होने के बाद रिपोर्ट सीधे अदालत को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी, जिसमें बृजभूषण पर यौन शोषण और गलत तरीके से छूने के आरोप लगे हैं। यौन शोषण केस और पहलवानों का प्रदर्शन अब पूरी तरह सियासी हो गया है। वहीं इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम देते हुए पूरे देश में पंचायत करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि पहलवानों का मुद्दा बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सपा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बढ़ते सबूतों, सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद बृजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले पर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, बीजेपी चुप, RSS चुप। तो मुलाकात पर सियासत और प्रदर्शनों, जिस तरीके से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर सियासत, यही राजनीति है जहां हर बात पर सियासत शुरू हो जाती है। चलिए अगली खबर उज्जैन से है, जहां आंधी तूफान की वजह से मूर्तियां गिरी और उसके बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि यहां पर तबाही हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अब इसी को लेकर देखिए सियासत भी जोरों पर है। सवाल तो ये जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार आंधी तूफान तक ये मूर्तियां क्यों नहीं झेल पाई, कौन दोषी है इसके लिए। जांच तो होनी चाहिए, जांच का विषय है, जांच हो भी रही है, लेकिन देखते हैं कि कब दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन के महाकाल महालोक में आंधी तूफान के चलते मूर्तियों के गिरने के मामले की जांच शुरू हो गई है। शनिवार को लोकायुक्त की टेक्निकल टीम महाकाल परिसर पहुंची और मामले से जुड़ी जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने महालोक का बारीकी से निरीक्षण किया, वहां मौजूद मूर्तियों को देखा जहां सप्तऋषियों की मूर्तियां लगी थी। टीम ने उस जगह का भी दौरा किया। कमल की आकृति में बनाए गए पेडेस्टल पर चढ़कर अधिकारियों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर मूर्तियां गिरी क्यों थी। इसके अलावा अन्य मूर्तियों की ऊंचाई भी मापी गई। टीम को कई मूर्तियों में दरारें और पेडेस्टल कमजोर हालत में मिले, कई मूर्तियों का रंग भी उतरा मिला। जांच में पाया गया कि मूर्तियों को गिरने से बचाने के लिए पेडेस्टल पर लोहे या फिर स्टील का पाइप नहीं लगाया गया था। कहीं कहीं तो पेडेस्टल पर लगाए गए ग्रेनाइट तक टूटे मिले। लोकायुक्त से पहले मंदिर परिसर में नगरीय प्रशासन विभाग की टीम भी जांच के लिए पहुंची थी। गौरतलब है कि पिछले महीने 28 मई को तेज आंधी तूफान के चलते महाकाल महालोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरकर टूट गई थी। इस दौरान मंदिर परिसर में आए श्रद्धालु भी बाल बाल बच गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उज्जैन महाकाल परिसर में मूर्तियों के गिरने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले को जन आस्था के साथ खिलवाड़ और गंभीर भ्रष्टाचार का मामला बताया है। उज्जैन के मंदिरों के बाद बात कर ले महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों की, जहां प्रवेश और पूजा करने के लिए ड्रेस कोड जो है लागू कर दिया गया है। दरअसल हिंदू संगठनों ने शिंदे सरकार से कुछ और बड़े मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू करने की मांग की है। ये कौन से मंदिर है, इस रिपोर्ट में देखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में 16 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। बकायदा इसके लिए मंदिर के बाहर फ्लैग्स और पर्चे लगाए गए हैं, जिसमें उन कपड़ों की फोटो दिखाई गई है जिन्हें पहनकर आने पर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। मंदिर महासंघ और हिंदू जन जागृति मिशन की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो मंदिर में शास्त्रीय वस्त्र ही पहनकर आएं। मंदिर महासंघ और हिंदू जन जागृति मिशन आने वाले 2 महीने के भीतर जिला और महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की बात कह रहा है। वहीं हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि शिरडी, शनि, शिंगणापुर जैसे मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू किया जाए। गौरतलब है कि कुछ समय पहले से ही महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। वहीं हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में भी छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े दोनों मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। तो कुछ मंदिरों में महाराष्ट्र के जो है ड्रेस कोड लागू किया है, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं कुछ और भी मंदिर ऐसे हैं जिसमें अब ये मांग उठने लगी है प्रीति कि उसमें भी ड्रेस कोड जो है वो लागू कर दिया जाए। बिल्कुल, इसी के साथ आज के वायरल वीडियोस में क्या है खास, सिर्फ 2 मिनट में देखिए आप टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस इंसान की पीठ पर बैठा पक्षी तहलका मचा रहा है, इंसानों की आवाज निकाल रहा है, कभी लोगों की नकल उतार रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा, शख्स और पक्षी दोनों की बिना तारीफ किए नहीं रह पाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अब इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक शख्स स्केटिंग करता नजर आ रहा है। क्या है विधि काले? दरअसल ये शख्स महाभारत के गाने पर स्टेप बाय स्टेप डांस और स्केटिंग कर रहा है। शख्स के इस टैलेंट को देखकर हर कोई उसका मुरीद हो गया। यूजर सोशल मीडिया पर शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को जो भी देख रहा है दंग का दंग रह जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ऐसा ही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी की स्टीयरिंग में इस शख्स का सिर फंस गया है। ये शख्स बार बार स्टीयरिंग से अपना सिर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ये वीडियो यूजर्स को हैरान कर रहा है। इस शख्स ने तो सोशल मीडिया पर अलग ही लेवल का तहलका मचा दिया। वीडियो में आप देखिए कैसे ये युवक रेलवे फुटओवर ब्रिज के ऊपर साइकिल चला रहा है। इस शख्स का वीडियो वायरल हुआ तो देखकर लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है शख्स को ऐसा ना करने की सलाह दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जो भी देख रहा है अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। वीडियो में देखिए बहुत से लोग एक जगह बैठकर दावत खा रहे हैं, तभी अचानक बारिश होने लगती है, जिसके बाद शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले गद्दों का सहारा बनाकर अपने सिर के ऊपर रखते हैं और दावत खाते रहते हैं। जो भी इस वायरल वीडियो को देख रहा है अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। तो 2 मिनट में वायरल वीडियोस देखने के बाद अब रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड सरकार भी योगी सरकार की राह पर चल रही है, माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। जी हां, आपने यूपी के बाहुबली अतीक अहमद के साम्राज्य को मिट्टी में मिलते हुए देखा है, उसकी हत्या के साथ ही उसके खौफ के खात्मे को देखा है। लेकिन उत्तराखंड में भी माफिया एक अतीक की तरह एक माफिया है। कौन है ये माफिया अतीक अहमद और कैसे इसने अपना साम्राज्य बना रखा था जिसे अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार एक्शन में नजर आ रही है। देवभूमि पर अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, भू माफियाओं पर चढ़ाई की जा रही है, अवैध संपत्तियों पर धामी का बुलडोजर चल रहा है। मेहुवाला के तूतोवाला नदी के पास चल रही कार्रवाई को देखिए, धामी का बुलडोजर फुल एक्शन में है। 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आलीशान भवन को देखिए, करोड़ों रुपए के बंगले पर बुलडोजर चल रहा है। ईंट कंक्रीट से बने इस घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। देवभूमि पर बने करोड़ों के आलीशान बंगले को मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जिस मकान को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिट्टी में मिलाया है, असल में वो देहरादून का मशहूर गैंगस्टर अतीक अहमद है, जो इस समय देहरादून जेल में बंद है। अतीक अहमद के विरुद्ध भी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और उसमें इसी के तहत
गैंगस्टर एक्ट के 14E के अंतर्गत इसका जो जमीन सरकारी जमीन पर जो नगर निगम की जमीन है उसने एक अवैध मकान बनाया था उसको ढहाने का आज कार्रवाई की गई है। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी इन दिनों अभियान चल रहा है जिसके तहत देवभूमि को अपराधी माफिया और गैंगस्टर से मुक्त कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उनके पास दर्जनों ऐसे अपराधियों की लिस्ट है जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है ताकि माफियाओं के काले और आर्थिक साम्राज्य को खत्म किया जा सके। देखिए अपराध की शुरुआत जो है वो छोटी मोटी चोरी की वारदात या बदसलूकी जैसी वारदातों से शुरू होती है। अगर वक्त रहते समय रहते सबक ले लिया जाए तो आगे की जिंदगी जो है आसान हो सकती है। बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के मांड्या में आखिर चलती बस में क्यों हुआ घमासान, किसने किस पर किए थप्पड़ों की बरसात और इसके पीछे क्या थी वजह, उस रिपोर्ट में देखिए आप। चलती बस के अंदर मचे घमासान को देखिए, एक लड़की एक लड़के पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रही है। एक दो तीन चार पाँच चंद सेकंड में ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ने के बाद लड़की उस शख्स के कॉलर को पकड़ती है, फिर उससे सॉरी बोलने को कहती है। लड़का सॉरी भी बोलता है लेकिन सॉरी सुनने के बाद भी लड़की का गुस्सा ठंडा नहीं होता और फिर से वो लड़के को पीटने लगती है। लड़के पर थप्पड़ बरसाने का वीडियो कर्नाटक के मांड्या का है जहां छेड़खानी का शिकार बनी लड़की ने चलती बस में आवारा मनचले लड़के की जबरदस्त पिटाई कर दी। वीडियो एक बार फिर देखिए, जिस वक्त लड़की मनचले की पिटाई कर रही थी तब बस पर सवार किसी शख्स ने ना बीच बचाव की कोशिश की न ही लोग लड़की की मदद करने आगे आए। नतीजा ये हुआ कि बस रुकते मनचला लड़की से हाथ छुड़ा गाड़ी से उतरकर फरार हो गया। बस के अंदर मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर मांड्या पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में छेड़खानी और पिटाई कोई भी शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कर्नाटक की इस खबर के बाद अब बात हम गुजरात की करेंगे। दरअसल यहाँ पर गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्ची जा गिरी और वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। आखिर ये लापरवाही किसकी है और कोई और इसकी सजा भुगत रहा है। कितना गहरा है बोरवेल और बच्ची कितनी फीट पर जाकर फंसी है, फिलहाल उसकी हालत कैसी है और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कहां तक पहुंचा है, तमाम अपडेट्स इस रिपोर्ट। युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई की जा रही है। जान बचाने के मिशन में सेना के जवान भी शामिल है जबकि मौके पर मौजूद लोग एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम किसी तरह सही सलामत बाहर निकल आए। घटना गुजरात के जामनगर की है जहां तानाचान गांव में 3 साल की बच्ची खेलते खेलते 200 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी। बोरवेल में गिरी बच्ची का नाम रोशनी है। बताया जा रहा है कि रोशनी बोरवेल में 20 फीट की गहराई में फंसी है। घटना के बाद दमकल विभाग के साथ दूसरी टीमें भी बचाव अभियान में जुटी हैं जबकि मौके पर सेना को भी बुलाया गया है। तस्वीरों को देखिए, 20 फीट की गहराई पर फंसी रोशनी को बचाने का अभियान चल रहा है। बचाव कर्मी रस्सी के सहारे बोरवेल में कैमरा डाल बच्ची की पोजीशन पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि बोरवेल के पास ही जेसीबी मशीन के जरिए गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि रोशनी की मासूम जिंदगी को किसी तरह बचाया जा सके। हेडलाइंस तो आपने देख लिया, बात तुर्की की करेंगे क्योंकि एर्दोगन ने राष्ट्रपति पद की तीसरी बार शपथ ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन हुआ शामिल दिखाएंगे आपको। एर्दोगन के सामने नए कार्यकाल में भी काफी चुनौतियां हैं। सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों से एर्दोगन निपटेंगे कैसे, रिपोर्ट देखिए। तुर्की का लंबे समय से नेतृत्व कर रहे रेजप तैयब एर्दोगन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शनिवार को शपथ ली। एर्दोगन ने पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इससे पहले वो 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एर्दोगन ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारी बारिश के बावजूद उनके समर्थक संसद के बाहर उनका इंतजार करते दिखाई दिए। जैसे ही उनका काफिला प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर पहुंचा, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एर्दोगन की एक झलक पाना चाहते थे। 2003 से एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। नाटो में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैनिक रखने वाला देश तुर्की है जिसकी आबादी करीब 8.5 करोड़ है। बता दें कि एर्दोगन साल 2003 से ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने नेतृत्व में उन्होंने तुर्की को एक रूढ़िवादी देश बनाने की कोशिश की है जो इस्लाम की नीतियों पर चलता है।
हालांकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे थे जिनके आधार पर एर्दोगन के लिए चुनाव काफी मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन जीत दर्ज कर एर्दोगन ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। भूकंप के बाद तुर्की का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। उस भूकंप के बाद एक बार फिर से तुर्की पर आपदा की मार पड़ी है। जी हाँ, इस बार तुर्की पर आसमानी आफत बरस रही है। लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भयंकर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। तुर्की पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। तुर्की में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। पानी की मनमानी ऐसी है कि सब कुछ साथ बहा ले जाने को आतुर है। जहां तक नजर जाती है, जल तांडव का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। तुर्की में इन दिनों मूसलाधार बारिश जारी है, लिहाजा ज्यादातर इलाके बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। अब इस अपार्टमेंट को देखिए, पानी पहली मंजिल से नीचे की तरफ बहता नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि घरों का सामान पानी अपने साथ बहा ले जा रहा है। बाढ़ से तबाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, सड़क किनारे गाड़ियों का जाम लगा है और पानी का बहाव अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। किसी चालक की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस सैलाब को गाड़ी से पार कर सके। पता है, अगर रिस्क लिया तो समझो बह गए। तस्वीरों में जल प्रलय जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सड़कें हो या रिहायशी इलाके, सब दरिया बन गए हैं। गाड़ियों को गुजरने के लिए पानी से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बारिश के चलते जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। गली मोहल्ले बाजार सब पानी पानी नजर आ रहे हैं। लोगों को पैदल चलने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस को इस मुश्किल वक्त में भी ड्यूटी निभानी पड़ रही है। लोग घरों के बाहर से वाइपर लेकर पानी हटाते नजर आ रहे हैं। तो तमाम खबरें आपने देख ली है, देश दुनिया के हाल आपने देख लिए। इसी के साथ अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट योग का। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका और योगिनी सोनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आपको कुछ नया और इम्पोर्टेंट सिखाने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, आज जो योगासन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आपको बहुत पसंद भी आएगा। हर किसी को कंसर्न रहता है कि आपकी जो त्वचा है वो खूबसूरत रहे, स्किन ग्लो करे, बिना मेकअप के भी आप बहुत सुंदर लगे। मैंने सोचा इसे सरप्राइज रखते हैं, आपने बोल दिया। तो आज हम लोग ग्लोइंग स्किन के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे लगता है ये सबका ही फेवरेट टॉपिक है, सबका। तो ऐसे योगासन करेंगे जिसमें आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका स्किन अच्छा होगा, ग्लोइंग स्किन के साथ साथ आपके बाल भी अच्छे हो सकते हैं। वैसे ये तो बहुत ही जरूरी है, अगर आपका स्किन भी खूबसूरत हो, आपके बाल भी खूबसूरत हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आसन होगा उत्थानासन। दोनों पैरों को पास में ले आए, और अगर आपसे बैलेंस ना बने तो आप इनमें थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को साइड में कर लें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ज्यादा से ज्यादा लेकर जाए, अपने शरीर को खींचे। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, ध्यान रहे आपकी पीठ सीधी रहे, आपके घुटने ना मुड़े। आप यहाँ भी रुक सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल हो, आसन आसानी से हो रहा हो। दोनों हाथों को पैरों के पास ले आए, सर को रिलैक्स करें और कोशिश करें आपका सर घुटने से छू जाए। सांसों को नॉर्मल रखें। अब सामने देखिए, दोनों हाथों को सामने ले आए और सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाए, एंड सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। ये वाला योगा करते हुए यहाँ पर इस तरफ इस एरिया में काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन सुंदर दिखना है तो थोड़ा पेन और कष्ट तो जीवन में उठाना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको हैमस्ट्रिंग्स में काफी स्ट्रेच आएगा, बिकॉज हमारे हैमस्ट्रिंग्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, बट धीरे धीरे आप देखिए आसानी से हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये आसन के फायदे चाहिए, आपको चाहिए कि आसन सच में आप पे असर करें, तो आपको अपने शरीर को देखिए इधर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है ताकि आपका स्पाइन हंच ना बनाए। ये देखिए, इसको सीधा रखिए, इतना भी रहिए तो भी अच्छे से काम करेगा। बस चीटिंग नहीं करनी है, घुटने नहीं मोड़ने हैं और अपने हाथ बॉडी को सीधा रखना है। अगर आपको ठीक लगे थोड़ा सा और नीचे जाइए, बस शरीर को खींचिए, आपको खुद से फील होगा कि आपका स्पाइन कितना स्ट्रेच हो रहा है। देखिए, जैसे भी आसन करने में और सही तरीके से करने में बहुत फर्क है। आपको लग रहा है फर्क लग रहा है? बिल्कुल, अगर थोड़ा और सही लगे तो इतना चाहिए। अब देखिए, आसन को वापस आने का भी एक तरीका होता है, जैसे आप आसन में गए हैं उसी तरीके से आप वापस आएंगे। रुको, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पेट को अंदर खींचे और धीरे धीरे अपने शरीर को बिना मोड़े वापस आइए और हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि झुक के
10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड रहना काफ़ी आसान हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तब आपका सर्कुलेशन आपके फेस पे, आपके बालों की तरफ आएगा और आपकी त्वचा ब्यूटीफुल हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए ग्लोइंग स्किन के लिए फॉर्मूला नंबर 2 यानी कि दूसरे योगासन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा आसन करते हैं। इस आसन का नाम है भुजंगासन। अब आपको हाथों के सहारे आगे आ जाना है इस तरह। अपने दोनों घुटनों को सीधा कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे ले आइए। पैरों को सीधा कर लीजिए। अब आपको अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट की तरफ पीछे लेकर जाना है। कंधों को पीछे रोल कीजिए। आपका लोअर बॉडी यानी शरीर का निचला हिस्सा टाइट होना चाहिए और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आए। अपने हाथों से हल्का सहारा लें और आपकी जितना कैपेसिटी हो, क्षमता हो, उसी के अनुसार इस आसन को खींचे। अगर आपसे इतना होता आप इतने में रहिए, इतना होता है आप उतने में ही रहिए। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो अपना कंधा और पीछे लेकर जाइए और अपने सर को भी पीछे लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। और आपको इस आसन को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करना है। देखिए, आसन करना ही बड़ी बात नहीं है, आसन को सही तरीके से करना बड़ी बात है। चलिए आपको सही तरीका सिखाते हैं। सीधा लेट जाएं। आपके अपने आपको बॉडी के लोअर पार्ट को टाइट रखना है ताकि आपका शरीर का ऊपर का हिस्सा ऊपर आ सके। हाथों को पीछे कर लें, अपने एल्बो को पास करें, कंधों को रोल करें पीछे, अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करें यानी उनको आपस में दबाएं और सांस छोड़ते हुए ऊपर अपने शरीर को खींचे। आइए, अपने एल्बो को थोड़ा मोड़ लीजिए। इतना देखिए, हमें याद रखना है कि हमारे लोअर स्पाइन पे कुछ इसमें असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने मिड स्पाइन से यानी कमर के थोड़े बीच के हिस्से को आपको शरीर से उठाना है। शोल्डर्स को थोड़ा और पीछे कीजिए, इसको मोड़ लीजिए। ठीक है, लोअर बॉडी को टाइट, अगर कंफर्टेबल लगता है हल्का सा सर को पीछे लेकर जाए। बहुत बढ़िया। अब फेस को रिलैक्स करें, कम से कम 10 सेकेंड इसी आसन में बने रहें। देखिए, जब आप 4 से 5 बार इस आसन को रिपीट कर लें, जरूरी है कि आप बालासन में बैठ जाएं। दीपिका, बालासन में एक बार आप बैठ जाएं कि हम व्यूअर्स के लिए, ठीक है, ताकि आपका स्पाइन रिलैक्स करें। हमेशा जब भी आप, याद रखें, जब भी आप बैक बेंडिंग करते हैं जैसे कि अभी हमने भुजंग आसन में किया है, आपको अपने स्पाइन को उसको उल्टा भी घुमाना है। इसमें रिलैक्स कर लीजिए और थोड़ी देर बाद 10 सेकेंड बाद आप उठ जाइए। चलिए वापस आ जाइए। आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। बिल्कुल। चलिए तीसरे योगा के बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए तीसरा आसन करते हैं। इस आसन का नाम है हलासना। हलासन करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले आप रिलैक्स हो जाएं, ओके। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। अब अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। अपने पैरों को सीधा कर लें, पैरों को सीधा करें। अब अपने हिप के एरिया को उठाते हुए अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेकर जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आ गए आप। वाह दीपिका, ठीक है। और अगर आपको तब भी ठीक लगे, थोड़ा कंफर्टेबल हो, तो पंजों को भी सीधा कर लें और इसी में रहें। देखिए, आपका बॉडी धीरे धीरे बैलेंस बनाने लगेगा। अगर आपसे बैलेंस बन जाए तो अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें, हाथों सीधे करो, यस, और इतने में ही रहें। अगर आपके घर में कोई हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपसे यह आसन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े इतने पे भी रुक सकते हैं, ठीक है। कोई चेयर या टेबल पीछे रख लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए, इतने पे भी रह सकते हैं। कंफर्टेबल हो, कुछ दिन में धीरे धीरे आप आसानी से नीचे आ जाएंगे। और इसमें कम से कम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड बने रहें। 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। और वापस आने के लिए अपने हाथों को अनलॉक कीजिए और अपने घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे अपने बॉडी को सहारा देते हुए वापस आ जाएं। बहुत अच्छा। एक बार साथ में करें आसन। दोनों पैरों को मोड़ लिया आपने, अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। हो सके तो अपने पंजों को सीधा कर लें, हाथों को इंटरलॉक कर लें। और धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। आपने
आपने देखा होगा कि हमें योगा जब भी हम आसना प्रैक्टिस करते हैं तो आपको घुटनों को नहीं मोड़ना होता है, तो इस आसन में भी आपको घुटनों को सीधा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है, आपका सर्कुलेशन फेस की तरफ आएगा, बालों की तरफ आएगा और आप ब्यूटीफुल धीरे धीरे त्वचा चमकने लगेगी। आज हमने ग्लोइंग स्किन को लेकर के आप लोगों को बताया कि आपकी खूबसूरत स्किन कैसे हो सकती है, आपके खूबसूरत बाल कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही कई अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए हर रोज़ सोनम आपके सामने हाजिर होगी। फिलहाल आज के लिए हम दोनों के साथ इतना ही।